मध्य प्रदेश के सागर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। बदमाश दिन दहाड़े किसी भी घटना को अंजाम देने से खौफ नहीं खाते हैं। ताजा मामला सागर के मोती नगर का है। यहां अपहरण के आरोपी दो युवकों ने एक दुकान पर फायरिंग कर दी। बेखौफ बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में अपहरण के आरोपी एक युवक ने एक दुकान की मालकिन पर दिन दहाड़े फायरिंग की। आरोपी युवक अपने साथी के साथ पहले भी दुकान मालिक के बेटे के अपहरण की घटना को अंजाम दे चुका है। बदले में फिरौती के रूप में 1,00,000 रुपए की मांग की थी और अब दुकान पर फायरिंग कर दी। पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला सागर के मोतीनगर थाने के खेमचंद अस्पताल के पास का है। दुकान की मालकिन स्वाति साहू ने कहा कि मैं दुकान पर थी, तभी अचानक बासु चौधरी अपने एक अन्य साथी के साथ आया और कट्टे से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। हम सब ने दुकान में छिपकर जान बचाई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।